आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में मंगलवार 21 जुलाई 2020 को आपका स्वागत है। सुबह सवेरे साई न्यूज के सुबह सवेरे में आज हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पारी में तेवर बहुत ज्यादा तल्ख नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री के नए संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जो उनके पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक सभी को बहुत ही कड़े निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने गरीबों पर कार्रवाई न करने की बात कही है, गरीबों के साथ खड़े होने की बात कही है, पर सफ़ेद पोशों को बेनकाब कर उन्हें दंड दिलवाने की बात भी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही गई है। आइए हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। माफिया की बात कही थी मैंने, माफिया की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अवैध नशा के सौदागर, चाहे वो मंदसौर नीमच के हों या इधर के हों, अलग लंबे समय से इस तरह के माफिया आज काम करते चले आ रहे हैं, उनको क्रश करना है। बिल्कुल जनता की संपत्ति हड़पने वाले माफिया को क्रश करना है कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नहीं तो गुना जैसी घटना की पुनरावृत्ति, करीब के साथ कुछ ना करें नहीं तो गुना जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। डालना है बरसात है, उनका तो हमें साथ देना है, गरीब का साथ देना है, आम जन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। लेकिन जो बड़े माफिया है, अवैध कब्जाधारी है, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किस तरह से होमवर्क करके आए हैं, पैड में बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लेके आए हुए हैं। अपना साम्राज्य खड़े करने वाले, ऐसे किसी को नहीं छोड़ना है। अवैध काम करने वाले किसी को नहीं छोड़ना, कार्रवाई कर लेते हैं, हर किसी गरीब को पकड़ लेते हैं, उसकी खोपड़ियां तोड़ देते हैं, गरीब को पकड़ लेते हैं उसकी खोपड़ियां तोड़। निर्देश इसके लिए नहीं है, बड़े सफेदपोश अपराधियों को नहीं छोड़ना है, बड़े सफेद सोसाइटी में प्लाट अपराधियों को नहीं छोड़ना है। गरीब मारा मारा फिर रहा है, पहले भी एक बार हमने ये इस तरह के माफिया के खिलाफ, मुख्यमंत्री का कहना है कि पहले भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, इसका तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि प्रशासनिक पकड़ कहीं कमजोर रही है। अनैतिक धंधा करने वाले जैसे भोपाल में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, भोपाल और भोपाल की पुलिस को भी और इंदौर दो जिलों को मुख्यमंत्री ने सहारा, जो जिलों के प्रशासन की पीठ थपथपाई। इंदौर में भी जो कुछ हुआ है वो बहुत सबक सिखाने वाला अपराध होगा, और भोपाल में भी जो हुआ है। नंदकिशोर यादव की भोपाल ब्यूरो से रिपोर्ट, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। कार्रवाइयां हुई है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर में भी जो कुछ हुआ है वो बहुत, देखिए भोपाल और इंदौर के बारे में बता रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो से नंदकिशोर यादव की ये रिपोर्ट है। सम्मान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशा निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी बैठे, पुलिस अधिकारी बैठे हैं, जिलों के इस तरह के छुपे हुए जितने लोग हैं उनको बेनकाब करके उनको पकड़ना है और उनको सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। ये तो पकड़ में आ गया भोपाल में, भोपाल में हो सकता है और जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं, इशारा था संभवतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। कई बार बेटी बेचने की घटना हो जाती है, उनको पहचाने, पंचायत की चीजें हो तो तोड़ताड़ देंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी बर्बाद होती है पूरी की पूरी, और ड्रग्स जो युवा पीढ़ी को खोखला बना रही है,
ड्रग्स के बारे में भी चलती है और बाहर भी मैं देख रही हूं, मैंने बताया सफेद पुड़िया का व्यापार करने वाले, सफेद पुड़िया का व्यापार, इनको क्रश करना है, इनको खत्म करना है। सवाल यही है कि क्या पुलिस को ये सारी चीजें पता नहीं होती, जानकारी नहीं, पुलिस की जानकारी में ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है कि सब कुछ होता है। बड़े गुंडे बड़े अपराधी जिनसे जनता आतंकित रहती, लोग खुल के नहीं बोल पाते। अब इस तरह के जो है छोटी कार्रवाई पहले भी होती रही हो उसमें दिक्कत नहीं है, वो जो बदमाश है उस तरह के जिला बदर हो, उनके अवैध निर्माण तोड़े जाएं, लेकिन ये बड़े हैं इनको चिन्हित करके इनको सबक सिखाओ। मैं नाम अभी नहीं पूछ रहा, अलग से चर्चा करेंगे, डीजीपी भी आपसे चर्चा करेंगे, सीएसपी चर्चा करेंगे, डीजीपी सीएसपी चर्चा करेंगे कि ऐसे आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से क्रश करना है, खत्म करना है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पहल की जा रही है। और एक बात और मैं साफ कहना चाहता हूं, इनको विद इन डिपार्टमेंट भी कोई प्रश्रय ना दे, किसी भी हालत में प्रश्रय कोई ना दे, और वैसी चीजें अगर पाई गई तो प्रश्रय देने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी हालत में। ये देखिए मुख्यमंत्री किस तरह दिशा निर्देश दे रहे हैं। भोपाल ब्यूरो से नंद किशोर की रिपोर्ट।